आ गया मजेदार मंडे। हेलो बच्चों, आ गया हमारा मंडे द मॉन्स्टर, जिसे बच्चे एक जादूगर समझते हैं क्योंकि वो उन्हें रोज नई नई चीजें सिखाता है। लेकिन आज हमारा मंडे कहाँ जा रहा है? ये तो एक शेर के मुंह वाली गुफा है। वाओ, ये कोई आम गुफा नहीं है, यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। अरे ये क्या, ये है एक जादुई चिराग। लगता है हमारे हीरो को ये चिराग चाहिए, लेकिन ये वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि सीढ़ी तो बहुत छोटी है। वो ये क्या है, ये तो है लाल रंग का एप्पल यानी सेब, और इसे खाते ही क्या हुआ, ये सीढ़ी तो लंबी हो गई और लाल भी। हुर्रे! देखा बच्चों, मैंने कहा था ना कि ये कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं है। और ये हमारे हीरो को क्या मिला, ये है पीले रंग का मैंगो यानी कि आम। यम्मी, इसे खाते ही क्या हुआ, सीढ़ी और लंबी हो गई और पीली भी, मतलब जैसे जैसे ये फल खाएगा सीढ़ी लंबी होती जाएगी। ओ मंडे, संभल कर, मंडे को बचाओ। अब ये मंडे कहाँ गया, यहाँ भी बहुत सारा खजाना है पर फल कहाँ है? क्या तुमने फल देखा बच्चों? अरे अरे ठीक से देखो, हाँ वो रहा, ये है हरे रंग का पेड़ यानी नाशपाती। ये मंडे के रंग का ही है, शायद इसका फेवरेट है। वू, सीढ़ी और लंबी हो गई और हरी भी, अब हम बस एक कदम दूर है। हमारा टार्जन निकल पड़ा है आखिरी फल को ढूंढने के लिए और वो उसे मिल गया। चलो जल्दी बच्चों, क्या तुम जानते हो ये कौन सा फल है? सही कहा, ये है ऑरेंज यानी नारंगी। इसे खाने के बाद सीढ़ी और भी लंबी हो गई और नारंगी भी। लगता है अब हमारा हीरो अपने जादुई चिराग तक पहुंच जाएगा। अरे 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 अरे, अरे संभल कर, क्या इस जादुई चिराग के अंदर जिन मिलेगा, ये जानने के लिए तुम्हें देखते रहना होगा मंडे द मॉन्स्टर का अगला वीडियो। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हाय बच्चों, हम दोनों फिर आ गए हैं, मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर। ये क्या, मंडे के लिए गिफ्ट? अब किसी को भी एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तो वो कितना खुश होगा। वैसे ही हमारा मॉन्स्टर भी बहुत खुश है, देखें इसके अंदर क्या है। ओह, ये तो खाली है। बच्चों ऐसे हंसते नहीं है, हमारा मंडे डर गया ना। ओ कितना सैड हो गया, पर क्यूट लग रहा है। ये है केंट, हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड। ये क्या, मंडे को एक कमाल का आइडिया आया है। अब दोस्तों के बीच इतनी शरारत तो चलती रहती है, क्यों? अरे ये क्या हुआ, केंट को प्लेन मिला और हमारे हीरो को जोकर, किसी ने शरारत की है। लगता है इस बॉक्स के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। नो, ओह सॉरी, और ये गया बॉक्स सीधे घर के बाहर। ये है मॉन्स्टर का फ्रेंड लुक, देखते हैं अब इसे जोकर मिलता है या कुछ और। शायद आज हमारे मंडे द मॉन्स्टर का दिन ही ठीक नहीं है। लुक को मिल गई एक कार और हमारा मॉन्स्टर उदास हुआ फिर एक बार। लाइफ में हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, लेकिन जो मिला है उसे ही दोस्त बना लो। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हाय मेरे शरारती प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जानवरों के नाम। आ गया हमारा हीरो मंडे द मॉन्स्टर। ये है पहला मुखौटा, ये है दूसरा मुखौटा, ये है नंबर 3 और ये चौथा मुखौटा। अगला कौन सा होगा, सही कहा 5वां और आखिरी है 6ठा। बच्चों क्या तुम जानते हो ये मुखौटे कौन से जानवरों के हैं? ये है पहला मुखौटा, जरा इसकी आवाज तो सुनो। हाँ ये है एक टाइगर यानी बाघ, ये है भारत का राष्ट्रीय जानवर। अगला है टोंप टोंप, जरा आवाज सुनकर बताओ ये कौन सा जानवर है? सही कहा, ये है एलिफेंट यानी हाथी। हाथी बहुत बड़े होते हैं बच्चों। अब अगला टोंप टोंप, जरा इसकी आवाज सुनकर बताओ ये क्या है? हाँ ये है डॉगी। डॉगी बहुत ही भरोसेमंद जानवर होते हैं बच्चों। अगला टोंप टोंप, ये कौन सा मुखौटा है, जरा आवाज सुनकर बताओ। हाँ ये है कैट यानी बिल्ली।
बिल्लियों को दूध पीना बहुत पसंद होता है। अगला है टो टो। ये कौन सा मुखौटा है? इस जानवर को हम बिना आवाज के पहचानेंगे। ये है पैंडा। और ये गोलू मोलू क्यूटू सा टेडी बेयर जैसा होता है बच्चों। अब बचा लास्ट मुखौटा, और जरा आवाज सुनकर बताओ ये कौन है। हाँ, ये है एक लायन यानी शेर। आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी बच्चों, मजा आया ना? अब ये मुखौटे चले जाएंगे, पर तुम इनके नाम मत भूलना। ये जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, बाय। आ गया मजेदार मंडे।